भारत जोड़ो यात्रा का 90वां दिन, राजस्थान के झालावाड़ से होकर गुजर रही यात्रा, शामिल हुए भारी संख्या में लोग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर साधा निशाना, क्रिसमस को देखते हुए संसद सत्र की तारीख तय करने की मांग, कहा हिंदू और मुसलमानों के त्योहार की तरह ही क्रिसमस का भी रखें ध्यान। केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस टीएमसी सहित तमाम दल हुए शामिल, बैठक में कांग्रेस ने उठाया ईडब्ल्यूएस का मुद्दा। कल से शुरू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा शीतकालीन सत्र, कुल 17 दिन होगा काम। हिरासत में लिए गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे कार्यकर्ता, मथुरा में लागू की गई धारा 144। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर AIIMIM प्रमुख का बड़ा बयान, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी ना भूले। मुलायम सिंह यादव परिवार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, आयक से अधिक संपत्ति के केस में जारी रहेगी जांच। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, सदन में जमकर की नारेबाजी, विरोध के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए की गई थी स्थगित। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक, रॉ आईबी व इंटेलिजेंस के कई अधिकारी मौजूद। चक्रवाती तूफान को लेकर IMD का अलर्ट, तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के आसार। विरोध प्रदर्शनों के आगे झुकी चीन की सरकार, जीरो कोविड पॉलिसी में दी बड़ी ढील, लेकिन कई शहरों में अब भी जारी है लोगों का विरोध। यूक्रेन को युद्ध की वजह से $1 ट्रिलियन का हो चुका है नुकसान, दूसरी तरफ रूस ने अब तक युद्ध में करीब 8,000 अरब रुपए फूके। उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन फिर छाए खबरों में, दक्षिण कोरियाई फिल्म देखने वाले दो नाबालिगों को मारी गोली। अफगानिस्तान में तेल कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रही बस में जोरदार धमाका, अब तक 5 की गई जान, कई घायल। इंडोनेशिया में नया कानून, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशन अब सजा के दायरे में, लिव इन में रहने वालों को मिलेगी 6 महीने की सजा, जबकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर 1 साल की जेल। कंपनियों में छटनी का दौर जारी, अब पेप्सिको बना रही सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना। 12 दिसंबर को खुलेगा वाइन कंपनी सोला विनेयार्ड्स का IPO, 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की है तैयारी। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज मना रहे हैं अपना 28वां जन्मदिन, भारत के सफल तेज गेंदबाज में शामिल हैं बुमराह। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का नया पोस्टर रिलीज, रफ एंड टफ लुक में दिखे किंग खान। छत्रपति शिवाजी बने अक्षय कुमार का लुक हुआ वायरल, शेयर कर बोले जय भवानी, पहली मराठी फिल्म में नजर आएंगे अक्षय कुमार।